तो स्वागत है दोस्तों को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई न्यू स्टेट के नए अपडेट के बारे में, या फिर तुम बोल सकते हो डेव लेटर के बारे में। लेकिन यार उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जिसको देख के भाई मुझे थोड़ा दुख होता है कि यार, तो भाई वीडियो में अच्छी क्वालिटी, अच्छा वॉइस ओवर और अच्छा कंटेंट और रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की मैं तुमको कोशिश करता हूँ। और लेकिन भाई तुम में से भाई 78% लोग ऐसे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार ये देख के ना बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चैनल भी देखे हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन उन लोगों के सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो भाई देखो, अगर तुमको लगता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस गैप को यार इतना ज़्यादा मत रखो, थोड़ा तो कम कर दो यार, कम से कम 40% तक तो लेके आ जाओ, तब भाई कुछ मज़ा भी आएगा कंटेंट बनाने में। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्टेट के नए डेव लेटर के बारे में, कब तक तुम्हें डेव लेटर देखने को मिलेगा, और साथ में तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा कि भाई क्राफ्टन जो भी चीज़ें करता है वो कितनी सीक्रेट रखता है, उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यार ये देख के भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, इसलिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेव लेटर के बारे में। तो जहां तक अंदाजा लग रहा है उसमें यही अंदाजा लग रहा है कि तुम्हें शायद मे भी शायद कोई नोटिस वगैरह या डेव लेटर देखने को मिले। वीडियो का कॉन्सेप्ट जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी अगर बड़ा तगड़ा अपडेट आने वाला होगा तो उससे पहले ये वीडियो वगैरह बनाएंगे, जिसके बारे में मैं तुम्हें बहुत पहले भाई बता चुका हूं कि वीडियो आने वाला है। लेकिन अब बात करें डेव लेटर की, तो अगर कोई डेव लेटर आ रहा है जिसके अंदर ये कोई प्लानिंग बता रहे हैं कि तुम्हें ये क्या न्यू स्टेट के अंदर करने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि उस डेव लेटर के अंदर ये पहले की तरह ही बोलने वाले हैं कि सॉरी हम बिज़ी हैं, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड कराने की। उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गेम के अंदर अभी फिलहाल के लिए चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो भाई स्टार्टिंग में क्राफ्टन ने जिस तरह से भाई न्यू स्टेट को जंप करवाया, जिस तरह से भाई न्यू स्टेट को प्रेजेंट किया सबके सामने, काफ़ी सारी गेम्स की भाई हालत वगैरह भी ख़राब हो गई थी। और अगर न्यू स्टेट के डाउनफॉल की बात करें तो डाउनफॉल यार न्यू स्टेट का सिर्फ वही है कि ये ग्लिचेस सही नहीं कर रहे हैं, साथ में भाई ये गेम के अंदर कुछ नया कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, बस वही चीज़ है। और अगर डाउनफॉल की बात करें तो वो भी देखो धीरे धीरे हुआ है, लेकिन अगर तुम अब उम्मीद लगा रहे हो कि जो अभी डेव लेटर के साथ अपडेट आने वाला है वो भाई वही चमत्कारी अपडेट होने वाला है, वो सारी चीज़ें चेंज कर देगा गेम के अंदर, तो ऐसा नहीं है भाई। इसके बारे में मैं पहले तुम्हें काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो देखा जाए तो अब उनके पास और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो न्यू स्टेट को एक ही दिन में उठा देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस तरह से भाई न्यू स्टेट धीरे धीरे डाउनफॉल में गया है, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे धीरे धीरे न्यू स्टेट को उठाएंगे। रही बात भाई ये डेव लेटर की, तो देखो उनको भी पता है कि धीरे धीरे उनकी ऑडियंस वगैरह जो है वो कम होती जा रही है। अब उनको भाई गेम के अंदर ऑडियंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर वो ये डेव लेटर के अंदर बताते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो भाई उनकी जो ऑडियंस है कुछ टाइम और गेम के अंदर रुक सकती है, इस उम्मीद में कि भाई अभी कुछ होने वाला है, जैसा उन्होंने बहुत पहले कर दिया था सेकंड एनिवर्सरी के डेव लेटर में। तो हमारे पास न्यू स्टेट को लेकर बहुत प्लान है, उसके बारे में हम तुम्हें आने वाले टाइम में बताएंगे। मे भी शायद इस वाले में वो प्लान वगैरह रिवील करें अपने कि ये सारी चीज़ें हम गेम के साथ करने वाले हैं। क्योंकि देखो न्यू स्टेट जैसा मोबाइल पर चलने वाला एक रियलिस्टिक गेम, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये गेम टाइम लेगा डेवलपमेंट में, और इस गेम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी इंप्रूव होना बाकी है, तो उसके ऊपर तो देखो टाइम लगने वाला है। दूसरी चीज़ की बात करें जो मुझे लगता है कि मे भी शायद पॉसिबल भी हो सकती है, वो है भाई इधर इसका और गेम्स के साथ क्लैश करना, जैसे पबजी मोबाइल। सपोज करो अगर न्यू स्टेट बहुत अच्छा गेम बन जाता है, अब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है ग्राफिक के मामले में, कंटेंट के मामले में, फिर उसके बाद ई स्पोर्ट्स के मामले में, तो तुम यार खुद ही ये सोच सकते हो कि भाई कोई भी पबजी मोबाइल क्यों खेलेगा, 5 साल पुराना गेम क्यों खेलेगा, हर कोई ट्राई करना चाहेगा जो पीसी का एक्सपीरियंस है वो मोबाइल के अंदर। मुझे लगता है कि क्राफ्टन वाले और भाई टेंसेंट वाले भी ये चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों की आपस में डील है, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमने भाई न्यू स्टेट का डाउनफॉल देखा है वो हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, एज ए स्क्वाड पार्टनर तो मेरे लिए भी वो काफ़ी भाई सरप्राइजिंग था कि यार देखो इस गेम के इतने तगड़े प्लान थे लेकिन भाई इस गेम की ऐसी हालत हो रखी है। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग भी भाई उम्मीद लगा रहे हैं कि डेव लेटर में बहुत चमत्कारी चीज़ें आने वाली है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी इनके बड़े अपडेट आते हैं वहाँ पर इनकी स्ट्रेटजी है कि उससे पहले उस चीज़ के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। तो भाई जैसे इनका नया मैप आया था, जेटा नया मोड आया था, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई थी। तो अभी अगर थर्ड एनिवर्सरी के अंदर कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हमें देखने को मिलती तो मे भी उसकी हाइप वगैरह ये पहले ही बना देते, क्योंकि देखो गेम डेवलपमेंट से ज़्यादा अगर तुम्हें इस तरह की चीज़ें करनी है उसमें कम टाइम लगता है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो कुछ ही दिन में अपडेट आने वाला है, लेकिन भाई देखो अभी कुछ फिलहाल के लिए हुआ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं तो भाई नहीं, और भी ज़्यादा भी टाइम देना पड़े, 6 महीने 7 महीने या साल भर भी हो सकता है इस गेम को भाई BGMI के या फिर पबजी मोबाइल के लेवल पे पहुंचने का। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं क्राफ्टन की सीक्रेसी के बारे में कि वो जो भी चीज़ें करता है वो कितनी ज़्यादा सीक्रेट रखता है, वो तुम्हें इस
स्क्रीनशॉट से पता चल जाएगा। तो इसमें जो एक बंदा है उसको तो भाई सभी जानते होंगे, वो भाई अपना न्यू स्टेट का डिस्कॉर्ड का भाई मोड है। दूसरा बंदे की अगर बात करें जिससे उसने रिप्लाई मांगा है, वो बंदा भाई नवेरा कोरियन एक साइट है, वहां न्यू स्टेट का जो है वहां पे मॉडरेटर है। तो जब अगर इस कन्वर्सेशन को देखें तो उससे तुम्हें ये चीज पता चलती है कि क्राफ्टन के जो भी प्लानिंग है रिलेटेड न्यू स्टेट या अदर गेम जो भी हो, वो भाई उनके ऑफिस तक ही रहती है, और वो तब तक रहती है जब तक भाई वो उसको पूरा फाइनल ना कर दे। तुम यहां पे जो कन्वर्सेशन देख रहे हो उसके हिसाब से भी ऐसा लगता है ना, तो भाई हमारे ग्लोबल वाले डिस्कॉर्ड के बंदे को पता है कि क्या आने वाला है, कब का शेड्यूल है, और ना ही भाई नवेरा वाले जो कोरियन बंदा है उसको पता है न्यू स्टेट वाले को कि भाई क्या सारी चीजें आने वाली है। तो देखो शेड्यूल दोनों के पास नहीं है, और ऐसी कंडीशन में भाई इन्फॉर्मेशन निकालना रिलेटेड न्यू स्टेट काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। रही बात भाई डेव लेटर की, तो देखो यही सारी चीजें तुम्हें उसमें देखने को मिलेंगी, और रही बात भाई बड़े अपडेट की, तो तुम्हें उसके लिए भाई वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्राफ्टन की जितनी भी सारी चीजें वो सारी सीक्रेट रहती हैं। तो भाई तुमको वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस गेम के ज्यादा चांसेस लगते हैं किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर रहने के। अदरवाइज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट तो ये इसका यार कर सकते हैं, अगर इनको पूरी फ्रीडम है इनके डेवलपर को सारी चीजें करने की तो कर सकते हैं। मे बी जितने भी मेन फैसले होते हैं वो भाई ऑफिशियल मैनेजमेंट की तरफ से आते हैं न्यू स्टेट के अंदर, क्योंकि मेरी काफी टाइम पहले भी कुछ लोगों से बात हुई थी रिलेटेड जो क्राफ्टन के अंदर हैं, तो उनका भी यही कहना है कि जो भी फैसले होते हैं भाई वहीं से होते हैं, कुछ भी अगर हम करें तो उसको फाइनल डिसीजन जो होता है इनकी मैनेजमेंट टीम वगैरह ही करती है। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मे बी शायद मंगलवार या कल या परसों कल तक तो आ जाना चाहिए इनका डेव लेटर वगैरह, या फिर मे बी शायद हो सकता है कि ये कुछ छोटा मोटा कोई ट्रेलर टाइप का भी प्लानिंग कर रहे हो। तो देखते हैं भाई क्या आने वाला है, उसके ऊपर मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।